हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहां करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा रैंडम वॉक मॉडल ऑफ कंजम्पशन। मैंने बहुत मेहनत की है इस थ्योरी को एकदम ईजी वे में आपको समझाने की। बहुत जगह बहुत बुक्स में दे रखी हैं आपने, बहुत लोगों ने तो इसे पढ़ा ही नहीं है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। बहुत सारी बुक्स में दे रखी है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा इस पर मटीरियल भी नहीं है। तो मैंने इसको पूरी कोशिश की है कि मैं इसको बिल्कुल ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करूँ। तो रैंडम वॉक मॉडल कंजम्पशन का रैंडम वॉक मॉडल सबसे पहले दिया था रॉबर्ट हॉल ने 1978 में। रॉबर्ट हॉल जो है पहले ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने रेशनल कंजम्पशन के रेशनल एक्सपेक्टेशंस का जो इफेक्ट है वो डराइव किया था। और भी कई मायनों में ये मॉडल इम्पोर्टेंट है। पहले देखते हैं क्या है ये थ्योरी है क्या। तो ये जो थ्योरी है वो मिल्टन फ्रिडमैन के परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। और ये थ्योरी कहती है कि अगर मिल्टन फ्रिडमैन की परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस करेक्ट है, इन शॉर्ट में जो मिल्टन फ्रिडमैन की परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है वो कहती है कि हमारी जो इनकम है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है परमानेंट इनकम और दूसरी होता है हमारी ट्रांजिटरी इनकम। तो हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारी प्राइमरीली हमारे परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है। तो रॉबर्ट हॉल कहते हैं कि अगर मिल्टन फ्रिडमैन की परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस करेक्ट है तो जो कंज्यूमर है उसकी एक्सपेक्टेशंस एकदम रैशनल है तो कंजम्पशन में जो भी चेंज होगा वो एकदम सर्टेन होगा, एकदम अनप्रिडिक्टेबल होगा और जो है वो एक रैंडम वॉक फॉलो करेगा। दैट मीन्स वो कैसे भी हो सकता है। अभी ये इस लेवल पर है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिया, एक साइड पे कंजम्पशन लिया और एक पे मैंने इनकम लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर वाई है और यहाँ पर सी है, ठीक है, तो ये एक बार में ऊपर भी जा सकता है फिर नीचे भी जा सकता है, ये बराबर भी रह सकता है। तो ये एक रैंडम वॉक फॉलो करेगा और ये अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मींस दैट व्हेन चेंज इन द वेरिएबल आर अनप्रिडिक्टेबल द वेरिएबल इज सेट टू फॉलो अ रैंडम वॉक। हमें नहीं पता, एकदम अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस अगर होता है वेरिएबल में तो हम उसे रैंडम वॉक कहेंगे, ठीक है। तो हॉल के हिसाब से जो उनका जो ये थ्योरी थी वो कॉम्बिनेशन था परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का और रेशनल एक्सपेक्टेशन का, यानी कि उसने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में रेशनल एक्सपेक्टेशंस को जोड़ दिया और फिर उससे ये पता पड़ा कि जो कंजम्पशन है वो एक रैंडम वॉक फॉलो करता है। देखिए ये यहाँ पे पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कंज्यूमर डील विद शिफ्टिंग इनकम एंड ट्राई टू स्मूथ देयर कंजम्पशन ओवर टाइम, ठीक है। जो इनकम में जो शिफ्ट होते हैं उसके साथ कंज्यूमर डील करता है और ओवर टाइम जो अपने कंजम्पशन को है वो स्मूथ बनाने की कोशिश करता है। एट एनी गिवन मोमेंट अ कंज्यूमर सेलेक्ट देयर कंजम्पशन बेस्ड ऑन करंट एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर लाइफ टाइम इनकम, ठीक है। उसका जो कंजम्पशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी जो अभी जो लाइफ टाइम इनकम की एक्सपेक्टेशंस है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट ईयर अगर वो एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती है तो कंजम्पशन एकदम से चेंज हो जाएगा सरप्राइजिंगली अनप्रिडिक्टेबली और उसे ही हम कहेंगे कंजम्पशन का रैंडम वॉक। थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम कंज्यूमर मॉडिफाई देयर कंजम्पशन बिकॉज दे रिसीव न्यू इंफॉर्मेशन दैट मेक्स देम एडजस्ट इन देयर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज एक कंज्यूमर है, उसको जो है जो सैलरी मिल रही है उसके हिसाब से उसने अपना जो कंजम्पशन पैटर्न है वो डिसाइड कर रखा है। अब इफ ही रिसीव्स अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन, एकदम अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन हो गया, ठीक है, इससे क्या होगा, उसका कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो उसने पहले से जो डिसाइड कर रखा था उससे वो बढ़ जाएगा। तो दैट इज अ रैंडम वॉक, अनप्रिडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन मिला है। और जबकि वेयर एज अ कंज्यूमर दैट अनएक्सपेक्टेडली फायर्ड और डिमोटेड विल डिक्रीज द कंजम्पशन, द चेंज इन द कंजम्पशन रिफ्लेक्ट सरप्राइज अबाउट लाइफ टाइम इनकम, ठीक है।
इफ कंज्यूमर आर ऑप्टिमली यूजिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन देन दे शुड बी सरप्राइज्ड ओनली बाय इवेंट्स दैट वर कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, अगर सारी उसके पास इंफॉर्मेशन है तो वो किन चीजों से सरप्राइज होंगे, सिर्फ उन चेंजेस से सरप्राइज होंगे जिसके बारे में उसने सोचा नहीं है, जो कि बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसलिए क्या है, जो कंजम्पशन है, कंज्यूमर जो कंजम्पशन में जो चेंज करेगा वो भी एकदम अनप्रिडिक्टेबल होगा। उसे नहीं पता था कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है, एकदम अनप्रिडिक्टेबल था, अनएक्सपेक्टेड था कि प्रमोशन मिलने वाला है या डिमोशन मिलने वाला है। उस हिसाब से उसने जो कंजम्पशन में चेंज किया वो भी कैसा था, वो एकदम अनप्रिडिक्टेबल था, और इसीलिए इसे हम कहते हैं रैंडम वॉक। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे कि क्या होता है रैंडम वॉक। अब थोड़ा इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं मैथमेटिकली, और अगर नहीं समझे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा इजी वे में अगर मैं समझाऊं तो सबसे पहले जो मिल्टन फ्रिडमैन का था वो क्या था, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। अब रॉबर्ट हॉल्स ने क्या किया, इसके साथ एक चीज जोड़ दी। क्या चीज जोड़ दी, क्या ऐड किया उसने, अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी को इसके साथ ऐड कर दिया। तो अगर अनसर्टेनिटी को ऐड कर दिया तो दैट मीन्स अनसर्टेनिटी अगर आई है तो क्या आएगी फिर, एक्सपेक्टेशंस। ऑब्वियसली ठीक है, अनसर्टेनिटी आई है तो क्या आएगी, एक्सपेक्टेशंस आएगी। अनसर्टेनिटी कहाँ है, अनसर्टेनिटी जो है वो हमारी, सॉरी एक मिनट करेंगे इसको थोड़ा, अनसर्टेनिटी जो है हमारी वो तीन चीजों में हम अनसर्टेनिटी की बात करेंगे। सबसे पहला अनसर्टेनिटी इन इनकम, इनकम में अनसर्टेनिटी से क्या होगा, हमारे कंजम्पशन में अनसर्टेनिटी आएगी, और कंजम्पशन में अनसर्टेनिटी दैट मीन्स हमको जो यूटिलिटी मिल रही है हमारी यूटिलिटी में भी अनसर्टेनिटी आएगी। इन तीनों चीजों में अनसर्टेनिटी आएगी। तो फिर अब हमारी दैट मीन्स हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो यूटिलिटी है इसको मैक्सिमाइज करना है। तो हमारी प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग एक्सपेक्टेड, अनसर्टेन है यूटिलिटी तो एक्सपेक्टेड जो हमारी यूटिलिटी है हमको इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। एजम्पशंस क्या है इसके लिए हमारे पास साथ में, कि हमारा जो आर है वो जीरो है। ठीक है, और साथ में क्या है, जो हमारा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन है ये कैसा है, ये एडिटिव नेचर का है, एडिटिव। ठीक है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन जो है वो एडिटिव नेचर का है। तो ये हमारी जो है एजम्पशंस रहेंगी। अब देखें इसको हम कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं, है पेशेंस। अब देखिए ये जो थ्योरी है इसकी बहुत बड़ी खासियत है, यूलर इक्वेशन पे ये बेस्ड है, शुरू होती है यूलर इक्वेशन से। तो स्कैलेस्टिक यूलर इक्वेशन जो है क्या है, इसका जो डेरिवेशन है राइट फ्रॉम स्क्रैच, इसका जो डेरिवेशन है एक डिफरेंट वीडियो में मैं दूंगी, तो आप उसमें देखिएगा। यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे,
सीधे हम वो जो कंजम्पशन का यूलर इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी सी टी इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस आर एक्सपेक्टेड वैल्यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन एट टाइम टी प्लस वन। ठीक है, ये है हमारा यूलर इक्वेशन। तो ये जो रैंडम वॉक मॉडल है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो है यूलर इक्वेशन को यूलर इक्वेशन पे बेस्ड है और यूलर इक्वेशन को यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी एजम्पशन है ये आर है इंटरेस्ट रेट, तो डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट ये हम इक्वल्स टू मानेंगे वन। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जिसने भी मेरा पिछला वीडियो देखा है उसे पता ही होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। मैंने मैंने बड़ा डिटेल से बताया है, तो जिसने देखा है उसे बात समझ में आएगी। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है और इसको मैं वन के इक्वल मान रही हूँ। ठीक है, अब जो है मैं एक कंजम्पशन फंक्शन लेती हूँ, सपोज एक क्वाड्रेटिक कंजम्पशन फंक्शन है यू सी टी। ठीक है, यूटिलिटी सॉरी क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन एक मैं लेती हूँ, सपोज क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन है ए सी टी माइनस बी सी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो यूलर इक्वेशन है हमको इसकी भी वैल्यू चाहिए और इसकी भी वैल्यू चाहिए। ये वाली जो टर्म है ये तो है वन के इक्वल हो गई है। ठीक है, तो एक इसकी वैल्यू चाहिए एक इसकी वैल्यू चाहिए। ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी एट सी टी, इससे निकल जाएगा हमारा। ठीक है, यू डैश सी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी टी, ये आ जाएगा ए माइनस टू बी सी टी। ठीक है, तो ये इसकी इसकी वैल्यू तो आ गई। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो इसी से हम निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशंस हम इसमें ऐड कर देंगे ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एट टाइम सी प्लस टी प्लस सी टी प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए तो हमारा जो है ऑटोनॉमस है तो ये एज इट इज रहेगा माइनस टू बी टू बी एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशंस जो है एट टाइम टी होगी, टी टाइम पे ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि टी प्लस टाइम वन टाइम पे कितना कंजम्पशन होने वाला है, तो ये हो जाएगा सी टी प्लस वन, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं दोनों को दोनों की वैल्यूज रखूँ, ये हो जाएगा ए माइनस टू बी सी टी इज इक्वल्स टू ए माइनस टू बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी सी टी प्लस वन। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू बी से माइनस टू बी कैंसिल आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा सी टी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशंस एट टाइम टी ऑफ कंजम्पशन एट टाइम टी प्लस वन। तो ये सिंपली सिंपली क्या बता रहा है कि हमारा जो आज का जो कंजम्पशन है, हमारा जो प्रेजेंट कंजम्पशन है, ठीक है, हमारा जो प्रेजेंट कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारे हम टी टाइम का कंजम्पशन टी प्लस वन टाइम पे हमारा कितना कंजम्पशन है, टी टाइम पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टी प्लस वन टाइम पे कितना कंजम्पशन होगा, ये उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आज के कंजम्पशन पे फ्यूचर का कंजम्पशन डिपेंड करेगा, बट कई अनप्रडिक्टेबल चेंजेस होंगे तो हम इसमें एक एरर टर्म भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एरर टर्म भी ऐड कर सकते हैं, कई अनप्रडिक्टेबल चेंजेस होंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लूँ वाई यानी इनकम और यहाँ पे लूँ कंजम्पशन, अभी मेरा जो कंजम्पशन है इस पॉइंट पे है, सपोज प्रमोशन मिल गया एकदम अनप्रडिक्टेबल तो मेरा कंजम्पशन ऊपर भी जा सकता है, फिर इस पॉइंट पे कुछ और हो गया तो मेरा कंजम्पशन नीचे भी जा सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, हो सकता है फिर और ऊपर चला जाए, या फिर वो हो सकता है कि उतना का उतना रहे, कोई अनप्रडिक्टेबल चेंज नहीं हुआ तो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कंजम्पशन है एक रेंडम वॉक फॉलो करेगा, हमें नहीं पता कि आगे इसमें इसकी सरप्राइज चेंजेस की वजह से इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो ये जो है क्या फॉलो करेगा कंजम्पशन, कंजम्पशन विल फॉलो अ
रैंडम वॉक, ठीक है, कंजम्पशन विल फॉलो अ रैंडम वॉक। तो यही है जो रॉबर्ट हॉल्स का रैंडम वॉक मॉडल है, जो कि हमें बताता है कि अगर मिल्टन फ्रिडमैन की परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस सही है तो हमारे जो इनकम है उसमें जो सरप्राइजेज या अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हमारी कंजम्पशन और फिर हमारी यूटिलिटी में भी कुछ अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो एक रैंडम वॉक फॉलो करता है। ये थ्योरी है, इसमें क्या मुख्य बातें हैं, कुछ कुछ बातें बड़ी मेन हैं जो उसको दूसरी बाकी की चार थ्योरी से एकदम अलग बनाती हैं और इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट हॉल ने क्या किया, रेशनल एक्सपेक्टेशन का जो है कॉन्सेप्ट लेके आया, ही इनकॉर्पोरेटेड द आइडिया ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन इन टू इस कंजम्पशन मॉडल, ठीक है, जो कि एक बहुत ही नई बात थी। एंड सेटअप द मॉडल सो दैट कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, यानी कि कुछ चीजें अगर अनप्रिडिक्टेबल हैं, सरप्राइजिंग हैं, तो उसके अंदर रैशनल एक्सपेक्टेशंस को जोड़कर किस तरह से यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, ही क्रिएटेड हिज कंजम्पशन थ्योरी इन रिस्पॉन्स टू ल्यूकस क्रिटिक, ठीक है, ल्यूकस क्रिटिक के पे बेस्ड थी इसकी जो कंजम्पशन थ्योरी थी। अब ल्यूकस क्रिटिक क्या है, अगर आपको नहीं पता तो ये जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, एक रॉबर्ट ल्यूकस जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे उनके नाम पर है ये ल्यूकस क्रिटिक, जो कि जिन्होंने की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे काम किया, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग पे काम किया, और उन्होंने कहा कि अगर जो है ये हम जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं एंटायरली अपनी जो हिस्टोरिकल डेटा और एक्सपीरियंस है उस पर बेस करेंगे, उस पर बेस रखेंगे, तो वो जो है वो बहुत ही ज्यादा नेटिव सा मतलब ठीक नहीं रहेगा वो। तो वो ल्यूकस क्रिटिक था कि जो पॉलिसीज हैं सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा या हमारे जो ऑब्जर्वेशन है प्रीवियस उस पे बेसिस बेस नहीं होनी चाहिए, सरप्राइजेस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। और एक जो लास्ट इसकी जो स्पेशलिटी है इस थ्योरी की, इसने जो है यूलर इक्वेशन को यूज किया इस मॉडल में, ठीक है, यूजिंग यूलर इक्वेशन टू मॉडल ऑफ रेंडम वॉक ऑफ कंजम्पशन हैज बिकम द डोमिनेंट अप्रोच टू मॉडलिंग कंजम्पशन, ठीक है, डोमिनेंट अप्रोच जो है ये बन गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हालांकि येलर इक्वेशन के यूज की वजह से इसको रॉबर्ट हॉल को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा, जब एम्पायरिकली उसको यूज करने की कोशिश की गई यूएस में कई जगह पर तो ये सक्सेस नहीं हुआ और रेंडम वॉक फॉलो नहीं किया। सॉरी, तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यूजफुल भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, मैंने बहुत मेहनत की है इस थ्योरी को एकदम इजी वे में आपको समझाने की, बहुत जगह बहुत बुक्स में दे रखी हैं आपने, बहुत लोगों ने तो इसे पढ़ा ही नहीं है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, बहुत सारी बुक्स में दे रखी है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा इस पर मटीरियल भी नहीं है। तो मैंने इसको पूरी कोशिश की है कि मैं इसको बिल्कुल ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करूँ। तो मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।